देखिए बहने, मैंने महंगाई की बात की, मैं जानती हूं कि सबसे ज्यादा बोझ कौन उठा रहा है महंगाई का। आज पेट्रोल 100 रुपए है, डीजल 90 रुपए है, गैस का सिलेंडर हर जगह 1000 से 1200 है, सोना 73,000, चांदी 90,000, दाल महंगी, सब्जी महंगी, मिट्टी का तेल महंगा, हर चीज का दाम बढ़ गया है, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है। जब घर में कोई बीमार पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, आपका दिल घबराता होगा। जब त्योहार आता है, आपको कुछ खरीदना पड़ता है, आपका दिल घबराता होगा। जब घर में मुश्किल पड़ती है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं जानती हूं कि आप ही भूखी रहती हैं, सबको खिला के सोती हैं, संघर्ष आप करती हैं, और आपकी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं रही। आपने खुद देखा कि जब एक अच्छी सरकार आती है, जिसकी नीयत ठीक होती है, तो कितना काम हो सकता है आपके लिए। आजकल पूरे कर्नाटका में आप बस से यात्रा करती हैं, फ्री में करती हैं ना, करती हैं, अच्छा लग रहा है आपको ये? तो देखिए, जब सरकार की नीयत ठीक होती है, तो ऐसी स्कीम्स लाते हैं जिससे आपकी मदद होती है। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो गरीबों की सरकार नहीं है, वो आम आदमी की सरकार नहीं है, वो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए है। देश का लोहा, देश का कोयला, देश की बिजली, देश की सड़कें, सारी इनको सौंप दी हैं। मैंने पहले कहा, हवाई अड्डे सौंप दिए हैं, हाईवे सौंप दिए हैं, बंदरगाह सौंप दिए हैं, सरकारी बैंकों से इनके 16 लाख करोड़ माफ कर दिए हैं, किसानों के लिए एक पैसा नहीं।